सिनेपोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ में अनामिका। अभी जो है आज 28 अक्टूबर पहले चरण का चुनाव होना है और ऐसे में चिराग पासवान ने ट्वीट करके काफी बड़ी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि पापा के निधन के 6 घंटे बाद ही मुझे पार्टी के प्रत्याशियों की पहली सूची देनी थी। मुझे पार्टी के सभी कार्यों को पूरा करना है। 10 दिनों तक मुझे घर से बाहर नहीं जाना था और इसलिए वो डिजिटल प्रचार के लिए वीडियो शूट करना ही था। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। पापा के जाने का मुझे कितना दुख है। अब ये मुझे क्या नीतीश कुमार जी को भी प्रमाणित करना होगा, यानी कि प्रूफ करना होगा। मैं रोज शूट कर रहा हूँ और ऑप्शन क्या है मेरे पास। पापा का ऐसे समय पर निधन हुआ जब चुनाव प्रचार सर पर था। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री इतना नीचे गिर सकते हैं ये नहीं सोचा था। ये सारी की सारी बातें जो है वो चिराग पासवान ने ट्वीट करके लिखी है। ताजुब होता है, मेरी नीतियों पर वार करें मुख्यमंत्री। मुंगेर की घटना से ध्यान भटकाने के लिए ये चाल कामयाब नहीं होगी साहब की। और अब जनता भी कभी माफ नहीं करेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। तो ये जो तमाम बातें वो चिराग पासवान ने अपने में ट्वीट करके नीतीश कुमार के बारे में बताई है कि जब उनके पिता रामविलास पासवान का निधन हुआ था तो ऐसे वक्त पर हुआ था जिस समय चुनाव प्रचार सर पर था और उनको हर दिन घर से बाहर नहीं निकलना था क्योंकि काम क्रिया काफी कुछ होती है घर पर। जिस समय उनको घर से बाहर नहीं निकलना था तो उन्हें वीडियो शूट कर करके देना था, जो कि उनके लिए काफी डिफिकल्ट था। जी नमस्कार, मैं चिराग पासवान। आज चुनाव प्रचार समाप्त करके अभी जैसे ही मैं घर आया तो मुझे ये एक लेटर मिला जो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा कुछ मीडिया हाउसेस को भेजा गया है, जिसमें मेरे बारे में जानकारी दी गई है कि मैं किस तरीके से अपने पिताजी की तस्वीर के सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ और इन शॉर्ट ये कि मैं पिताजी के निधन का ना मुझे कोई दुख है ना उनके जाने का मुझे कोई गम है। मैं ताज्जुब करता हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी हार से इतने ज़्यादा विचलित हो गए हैं, इतने ज़्यादा बौखला गए हैं कि वो एक बेटा जिसके पिता को भी गए हुए 20 दिन भी नहीं हुए हैं उसके बारे में इस तरीके के वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं और इस तरीके का लिखित नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये लिख के मीडिया हाउसेस को दिया गया और कुछ मीडिया हाउसेस जो उनके संरक्षण पर चलते हैं वो इसको चला भी रहे हैं अपने चैनल्स पर और लिखित रूप में इसमें दिया गया है कि 2 दिन पहले पिता का निधन हुआ और वो देखिए पिता के मुस्कुरा रहे हैं, ना चेहरे पर कोई शिकन ना कोई गम। पिता की मौत के बाद मुझे प्रमाण देने की ज़रूरत है या किसी को भी प्रमाण देने की ज़रूरत होती है? मतलब राजनीति को हम इतने छोटे स्तर पर ले आते हैं कि अभी कुछ दिन नहीं हुए पापा को गए हुए और मुझे ये नीतीश कुमार जी को प्रमाणित करना है कि उनके जाने का मुझे कितना गम है, कितना दुख है। हाँ, एक शूटिंग चल रही थी, मैं काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि 13 दिन तक बिहार में जिस तरीके की परंपराएँ होती हैं, पापा का जो श्राद्ध का कार्यक्रम था, 13 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता था और वो दौरान ऐसा था जब मैं सिर्फ डिजिटली ही मैं कैंपेन कर सकता था क्योंकि बाकी सारी पार्टियां, पापा एक ऐसे समय पर मुझे छोड़ के गए जब चुनाव सर पर था, तो उस वक्त सारी पार्टियां चुनाव में उतरी हुई थी और मेरे लिए उस कहीं पीछे नहीं रहूं, तो इसलिए मैं डिजिटली मैं अपना चुनाव प्रचार कर रहा था। उसमें अगर आप देखेंगे मेरे हाथ में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट है और जो मैंने पापा के साथ ही बनाया और इसीलिए मैं चाहता था कि उनकी तस्वीर के साथ मैं उस विजन डॉक्यूमेंट को मैं डिजिटली भी मैं लॉन्च करूं, उसको लेकर हम लोग शूट कर रहे थे। और इस तरीके के शूट रोज़ होते हैं, रोज़ कोई ना कोई मीडिया चैनल्स मीडिया हाउसेज आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, पर जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने इस चीज़ को मुद्दा चुनाव में बनाने की कोशिश की, आप सब जानते हैं कि मैं पापा से कितना प्यार करता था और पापा मुझसे कितना प्यार करते थे। और उसके बाद इस बात को कहना कि देखिए पिता की तस्वीर के सामने हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, यकीनन जब आप काम करते हैं, आप अपने दोस्तों अपने कलीग्स के साथ होते हैं, आप अपने काम करने वाले लोगों के साथ होते हैं, उनके साथ बात करते हैं, बातचीत ऐसी होती है, कोई बातें ऐसी हुई होंगी, स्वाभाविक है कि चेहरे पे कोई मुस्कुराहट आई होगी या किसी ने कुछ कहा होगा। बट इसका ये तात्पर्य निकालना कि इंसान को अपने पिता के जाने का दर्द नहीं है, दुख नहीं है, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा दुखी करती है। मतलब मुझे पापा के जाने के बाद भी प्रमाणित करना पड़ रहा है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ या वो मेरे लिए क्या थे। मैं बस ये सारी बातें आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था कि लिखित रूप में मुख्यमंत्री ये साजिश रचते हैं, लिख के देते हैं मीडिया चैनल्स को कि आप ये वाला नैरेटिव पढ़िए या ये बातें बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझेंगे, इस बात को जानेंगे कि राजनीति में
किस तरीके से अपनी हार को देखते हुए मुख्यमंत्री इतने नीचे स्तर पर आ गए हैं कि ऐसी व्यक्तिगत बातें आप कीजिए ना, मेरा मेरी बुराई कीजिए मेरी नीतियों को लेकर, आप बोलिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मेरा विजन गलत है, आप बोलिए कि मेरे साथ जन समर्थन नहीं है, मेरी रैलीज में भीड़ नहीं आती या युवा मेरे साथ नहीं जुड़ा, आप ये सारी बातें कीजिए। इस तरीके से ये बोलना मेरे दिल पे क्या गुजरती है एक बार सोचे तो मुख्यमंत्री, जब मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि मैं पिता की मौत के ऊपर राजनीति कर रहा हूँ या वो गए हैं और मैं मुस्कुरा रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, मेरे दिल पे क्या गुजरती है जब बार बार आप इन चीज़ों को खोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आप लोग इस बात को समझेंगे, बिहार की जनता इस बात को समझेगी। मुझे अपना पक्ष रखना मुझे लगा कि ज़रूरी है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आया और ये वीडियो शूट किया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरा साथ देंगे। धन्यवाद। काफी डिफिकल्ट था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।